हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग का कमेंट था कि जो एंगल का कोहता है, वो लीकेज हो रहा है, उसको कैसे रिपेयर करते हैं। मैं अब इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूं किस तरह उसको रिपेयर करते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको जो भी प्लम्बिंग टेक्निक होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एंगल कक है। मैंने इसको अभी खोल के लाया, ऐसे ही लीकेज प्रॉब्लम हो रहा था। आपको खोल के लेने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे भी आप रेडी कर सकते हैं जहाँ पे लगा हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने के लिए इसको खोल के लाया हूँ। जब लीकेज होता है, जब ऐसे एंगल कक फिटिंग रहता है, जब लीकेज होता है यहीं से ड्रप ड्रप गिरता रहता है पानी। जब हम एंगल कक को ओपन करते हैं तो यहाँ से पानी गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ से तो कनेक्शन पाइप होने दो या तो दूसरा कुछ भी फिटिंग होने दो, यहाँ से लगा रहता है। जब हम पानी चालू करते हैं तो यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। तो जब हम बंद कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब पानी चालू होता है तब इधर से पानी जाता है, फिर बैक मारता है। जो स्पेंडर, इसका अंदर जो स्पेंडर लगा होता है, वहाँ से बैक आके ये कप में आके इस साइड में गिरता है। उसको कैसे रेडी करना है, पहले आपको क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर लेके आपको इसी जो एंगल का, यहाँ पे एंगल का एक फिनिशिंग लॉक रहता है, कंपनी ब्रांड रखा रहता है, तो लॉक को खोलना है। लॉक को साइड से ऐसे स्क्रू ड्राइवर से खोल देंगे, ये बाहर निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो स्क्रू है इसका अंदर देखो एक स्क्रू रहता है। ये कप खोलने के बाद है, ये कप तो ऐसे ही प्रेस वाला है, फिर लगाने के टाइम ऐसे लगा के प्रेस कर देना है। अब ये जो स्क्रू है, स्क्रू को आपको खोलना है, स्क्रू ड्राइवर में स्क्रू को खोल देना है। ये स्क्रू ओपन होने के बाद है, फिर आपको ये कवर को निकालना है। ये अभी खुल गया क्योंकि ये स्क्वायर साइज है, दो टाइप का आता है, एक राउंड टाइप आता है और एक स्क्वायर टाइप आता है। ये तो स्क्वायर टाइप है, पुराना मॉडल है ये स्क्वायर टाइप है। बाकी जितना लोकल टैप होता है उसमें भी सभी स्क्वायर टाइप रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये एक चेक नट है, देखो यहाँ स्पेंडर के साथ एक नट लगा रहता है। ये देखो एक नट है, ये नट क्या है, ये पैकिंग नट है। जो स्पेंडर में पानी ऊपर, ये तो घूमता रहता है, जब पानी इधर से ऑन होता है इधर से भी थोड़ा बैक में आता है, इसलिए इसका ये जो नट है, नट का अंदर पैकिंग भरने के बाद ये नट को टाइट किया जाता है। कुछ दिन ऑपरेटिंग होते होते क्या होता है, जो पैकिंग खा जाता है, जैसे हमारा मोटर का ग्लैंड पैकिंग होता है, इसी तरह का ये खाता रहता है, जो ख़राब होता है। इसलिए उस टाइम में हमको क्या करना है, जब भी यहाँ से आप ये खोल दोगे, जब आप इसको ओपन करोगे, ओपन करके ये कप खोल दोगे तो यहाँ से ड्रिपिंग होना शुरू होगा। तो हमको क्या करना है, एक रिंग पाना ले लेना है। रिंग पाना में ये जो नॉट है, ये नॉट को लेके थोड़ा सा ज़्यादा टाइट मत करना है, थोड़ा सा टाइट करना है इसको, ऐसे घुमा के देखिए, ये थोड़ा सा टाइट करना है। ज़्यादा टाइट करोगे तो ये आप घुमाने के लिए आपको ज़्यादा कष्ट होगा। तब तक थोड़ा सा टाइट करो जब तक ये लीकेज बंद हो जाए, फिर आप उसको ओपन करके उसका अंदर ऐसे कप डाल के जो टैप को ओपन करके देखो एंगल कप को, फिर ओपन करके फिर कप को निकाल दो, फिर देखो पानी लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो हो जाता है, सिर्फ कुछ नहीं, स्पेंडर का, अगर स्पेंडर कुछ ख़राब हो गया तो इसको बदलना पड़ता है, यहाँ से खोल के बदलना पड़ता है। इसका वीडियो मैंने कैसे खोल के इसका स्पेंडर चेंज करते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना हुआ है, आई बटन में आप देख सकते हैं। तो मैं अभी इसका जो एंगल का आपका कमेंट था कि एंगल का लीकेज हो रहा है बार बार, ऐसे गीजर का पास होने दो, वाशिंग मशीन का पास होने दो, जहाँ भी एंगल का है वो ऐसे ड्रिपिंग होता रहता है, जब हम ओपन करते हैं तो ड्रिपिंग होता रहता है। इसलिए उसको सिर्फ यही चेकनट है, उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया तो हो जाता। और जहाँ पे क्वार्टर टर्न या हाफ टर्न है, जो एंगल कक में थोड़ा सा घुमाए तो ओपन होता और बंद हो जाता, उस टाइम में अगर ऐसे लीकेज होना, इसे कप का अंदर लीकेज होना शुरू होता, उसका स्पेंडर बदलना ज़रूरी है। क्योंकि वो स्पेंडर क्या है, गाइड सिस्टम है, आप लोग हर एक पार्ट घिस जाता है उसमें, आपको रेडी करने को नहीं होता है, इसलिए आपको स्पेंडर बदलना पड़ेगा। उसका स्पेंडर किस टाइप का आता है, इस टाइप का आता है, ये गाइड सिस्टम है, ये हाफ टर्न है, देखिए ये थोड़ा सा खोले तो ओपन हो जाता, थोड़ा सा में बंद होता, सिर्फ आधा, देखिए इतने में ओपन इतने में क्लोज होता है। ये अगर क्या होता है ना, ये गाइड वाइड सब जब बार बार ऑपरेट करते हैं, ये गाइड सिस्टम है, घिस जाता है, वो घिसने के बाद लीकेज होता है। इसको क्या है, स्पेंडर आपको चेंज करना पड़ता। तो ये जो फुल टर्न में जो लीकेज होता है, इसका चेक नट आता है, चेक नट को थोड़ा टाइट कर दिया तो फिर पानी लीकेज बंद होता, फिर चलता रहेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम इस तरह का वीडियो आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएंगे।